जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। देखिए, मेंडल जी ने आनुवंशिकता के नियम के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने ये बताया था कि माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में जाते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है ना, मतलब माता पिता के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो संतानों में जाते हैं और इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। इस प्रकार आनुवंशिकता के इन्होंने अमूमन तीन नियम दिए हैं और इन्हीं तीनों नियमों के बारे में हम लोगों को विस्तृत अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। जो मेंडल का प्रथम नियम है उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम, और जो दूसरा नियम है उसे लॉ ऑफ सेग्रेशन बोलते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, और तीसरे नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, मीन्स स्वतंत्र अभ्युन का नियम कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हमारा जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मतलब प्रभाविता का नियम है। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में या प्रभाविता के नियम में मेंडल जी ने, देखिए, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया है वो मटर के पौधे पर किया है। जब इन्होंने ये बताना स्टार्ट किया कि जो आनुवंशिक लक्षण है वो संतति पीढ़ी में किस तरीके से जाते हैं, तो इन्होंने पहले नियम को प्रभाविता का नियम बताया। इन्होंने ये कहा था कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से संतति पीढ़ी में जाते हैं तो दिखाई पड़ते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, इन्होंने एक जो है मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर का पौधा इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत आसानी से इनको सहजता से मिल रहा था, और दूसरी चीज़ जो है इसमें जो प्रक्रिया थी वो कम समय अंतराल में ही संभव थी, तो इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और दो तरीके के मटर के पौधा लिया है। देखिए, इन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया है और दूसरा शुद्ध बौना पौधा ले लिया। सही, एक तो पौधा जो कि बढ़िया लंबा है, शुद्ध लंबा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा का नाटा भर के है, बौना है, समझ में आ रही है। तो एक तो टीटी कर दिया और दूसरे को स्मॉल टी से इन्होंने डिनोट कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें तो इन्होंने जब संकरण कराया, दोनों में क्रॉस कराया, संकरण का मतलब जब कॉम्बिनेशन कराया इनके टी और टी का, यहाँ स्मॉल टी का मतलब शुद्ध लंबे पौधे का और शुद्ध बौने पौधे का जब संकरण कराया, तो इन्होंने पाया कि जितने पौधे दिखाई दे रहे हैं, चूंकि जो पौधा अब मिलेगा वो संकर होगा, तो जो पौधा मिल रहा था वो संकर था और सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। समझ में बात आ रही ना, मतलब इन्होंने कुछ पौधे ऐसे, एक पौधा इन्होंने ले लिया जो शुद्ध लंबा है, दूसरा पौधा ले लिया जो शुद्ध बौना है, और दोनों का क्रॉस करा दिया, मतलब संकरण करा दिया। तो जब संकरण कराया तो एक हमारा हाइब्रिड मिलेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा संकर मिलेगा कोई ना कोई, तो वो जो मिल रहा था वो था सभी लंबे पौधे, मतलब जितने पौधे मिल रहे थे वो कैसे थे, लंबे थे। अब भैया ये बताइए कि जो बौनापन है वो कहाँ चला गया, तो इन्होंने एक नियम दिया इसी पर। इन्होंने नियम में ये बताया था कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले किसी भी पदार्थ को या विपरीत लक्षणों वाले यौगिकों को मिलाते हैं, लक्षणों को देखते हैं, जब हम विपरीत लक्षणों को हम कॉम्बिनेट करते हैं, मतलब संकरित कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उनमें से ऐसे लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं संतति पीढ़ी में उसे हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। मैंने कहने का ये हुआ कि कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो संतति पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं और कुछ लक्षण ऐसे सुश्रुत दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। मेंडल जी ने समझिए बताया, तो प्रभाविता के नियम में मतलब वे लक्षण जो संतति पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण संतति पीढ़ी दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो होता नहीं, होता है, समझिएगा। जब इन्होंने शुरुआत कराया थी, आपकी जनक पीढ़ी है, भैया पापा मम्मी वाला मामला है ना, तो ई भाई साहब शुद्ध लंबा पौधा हो गया, ई शुद्ध बौना पौधा होगा, दोनों में संकरण कराया गया, तो संकरण कराए तो जो मिला वो सभी लंबे पौधे मिले, तो लंबापन तो आ गया और बौनापन दूसरा दिखाई नहीं पड़ा, लंबापन हावी हो गया करके एकदम से, है ना, प्रभावी हो गया, मतलब तो इसको क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे ना। और ये जो बौनापन था ये थोड़ा कमजोर था, ये नहीं दिखाई पड़ा इसमें, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये जो है अप्रभावी लक्षण है, मतलब लंबापन इसमें अगर देखा जाए इस वाली प्रक्रिया में तो यहाँ जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण और जो बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण, समझ में आ रही ना। तो दो प्रथम संतति पीढ़ी में ये जो पहली पीढ़ी निकल के आई, मतलब प्रथम पीढ़ी संतति पीढ़ी जो पहली वाली है F1 से नोट किया गया है, इसमें
जो संकर मिला, आपका संकर पौधा मिला, उसमें सभी कैसे हो गए, सभी लंबे पौधे हुए। तो प्रभाविता के नियम में इन्होंने यही कहा था कि जो विषम लक्षण वाले जब पौधों को हम, या विषम लक्षण वाले युग्मकों को हम लोग मिलाते हैं, देखिए युग्मक यहाँ पर TT2 में इसलिए पेयर्स में लिखा गया क्योंकि युग्मकों को हम लोग जनरली पेयर्स में ही डिनोट्स करते हैं। तो अभी जैसे ये टी अलग हो जाएगा, ये टी अलग हो जाएगा, तो इस युग्मकों को हम लोग पेयर्स में ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ दो बार TT लिखा हुआ है। तो दो विषम लक्षणीय युग्मकों को जब हम कॉम्बिनेट करते हैं, मतलब क्रॉस कराते हैं, संकरित कराते हैं, तो वहाँ पर वही लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो प्रभावी होते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो आई होप ये जो प्रथम फर्स्ट लॉ है इनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, ये आप समझ रहे होंगे कि ऐसे लक्षण जो संतति पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और ऐसे लक्षण जो नहीं दिखाई पड़ते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये मामला हो गया आपका प्रभाविता के नियम का। चलिए सेकंड लॉ पर अगर हम आते हैं, तो सेकंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रेशन बोला गया है, जिसे पृथक्करण का नियम कहा गया है। पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग अलग होना, बटना, डिवाइडेशन होना, अलग बट जाना। तो देखिए इसमें क्या होता, इसको इसका दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए भैया ई जोन भाई साहब TT है, ETT है, TT का मतलब युग्मक ही है, तो कैपिटल टी एक युग्मक, स्मॉल टी दूसरे का युग्मक ये तो है, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, माने पृथक्करण का नियम युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जाना जाता है। अब देखिए पृथक्करण के नियम में बताया क्या गया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पृथक्करण के नियम में यह कहा गया है कि जब हमारी प्रथम पीढ़ी जो संतति पीढ़ी आई F1, जब उसका स्वपरागरण कराया जाता है, स्वपरागरण मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, स्वपरागरण जब इसका कराया जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये संकर पदार्थ है, तो मतलब संकर मिला है आपका जो कि सभी लंबे पौधे जो मिले हुए हैं, तो जब स्वपरागरण कराया जाता है तो स्वपरागरण में क्या होता है कि एक ठीक देखो ई जितना पौधा मिलेगा वो एक कंडीशन होगी, सभी लंबे पौधे मिल जाएंगे, मतलब कैपिटल टी। एक कंडीशन क्या होगी कि लंबा पौधा मिलेगा, लेकिन समझिएगा जितना लंबा पौधा मिलेगा वो संकर होगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। तीसरे वाले में ये भी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथे वाले में क्या होगा कि ये बौना पौधा मिल जाएगा, मतलब स्मॉल टी। देखिए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये कैपिटल टी आया, ये कैपिटल टी आया, तो एक टी से मिलकर के कैपिटल टी बनाया, दूसरे के वाले में ई इससे मिलकर के स्मॉल टी बनाया, बात समझ नहीं है। तो देखिए कैपिटल टी और एक कंडीशन में क्या होता है कि ई भाई साहब इनसे मिलेंगे, दूसरे के वाले में इनसे मिलेंगे। तो देखिए कंडीशन क्या होती है, जब इसका स्वपरागरण कराया जाता है तो एक प्रक्रिया क्या होती है कि कैपिटल टी मतलब सभी जितने लंबे पौधे मिल रहे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, और दूसरे के वाले कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये जो संकर है ये शुद्ध नहीं है, ये वाला शुद्ध नहीं है, ये संकर है, ये भी संकर है, ये कौन सा है, ये भी शुद्ध है, ये शुद्ध है, बौना है लेकिन शुद्ध है। देखिए स्मॉल टी रहेगा तो मतलब बौना हुआ, तो लेकिन शुद्ध बौना हुआ। अगर कैपिटल टी है तो लंबा है, कैसा, शुद्ध है, लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो संकर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो उनके लक्षण छुपे हुए थे पहली पीढ़ी में, लक्षण छिप गए, वही लक्षण केवल दिखाई पड़े जो प्रभावी थे, जबकि जो दूसरी पीढ़ी निकल के आई, इसको कहते हैं द्वितीय पीढ़ी, ठीक, द्वितीय संतति पीढ़ी बोलेंगे इसको, F2 को, दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं जो छुपे हुए थे वो भी। तो देखिए कंडीशन क्या बनी कि लंबापन जो दिखाई दिया, शुद्ध लंबापन इधर दिखाई दिया और बौनापन इधर दिखाई दिया, और दो एक देखो संकर जो है वो 50% दिखाई दे रहा, 50% आपके संकर पौधे मिलेंगे जिसमें क्या कहते हैं कि लंबापन जो है वो हावी रहेगा, प्रभावी रहेगा, पौधा जो है लंबा ही रहेगा। अगर कंडीशन आप देखें तो ये भी लंबा ई बहुना, तो इसका जो रेशियो निकलेगा वह 3:1 निकलेगा। लेकिन अगर वैसे इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए जो लंबापन संकर जो बन रहा है वो 50% है, और जो शुद्ध लंबा है वो 25%, और जो बौना है शुद्ध वो कैसा है, 25%। तो 25 50 25, देखो 25:50 और 25, तो डिवाइड कर देंगे तो 1:3:1, तो इसका ये रेशियो निकल के आ जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा होगा आपके पृथक्करण के नियम में क्या बताया गया। पृथक्करण के नियम में ये कहा गया है कि जो मतलब लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ते हैं वो दूसरी संतति पीढ़ी में दिखाई पड़ जाते हैं, उनका बंटवारा हो जाता है। मतलब
कहने का ये हुआ कि युग्मकों में कोई प्रभाव नहीं, युग्मक शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक, इसमें लक्षण जो युग्मक है वो कॉम्बिनेट जरूर होते हैं लेकिन अपने लक्षण नहीं शेयर करते हैं, उनका लक्षण उनके पास रहता है और अगली पीढ़ी में वो दिखाई पड़ता है। तो पृथक्करण के नियम में जो लक्षण छुप गए थे वो भी दिखाई पड़ते हैं, भाई बौनापन यहाँ कहाँ था, इस वाले में बौनापन आ गया, तो इसीलिए जो है इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम जो हमारा है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसका मतलब होता है स्वतंत्र अभ्युमन का नियम। जब मेंडल ने अपने संकरण को कराना स्टार्ट किया था तो दो तरीके का संकरण हुआ था, एक तो एकल संकरण हुआ था जिसको हम लोग एक संकरण बोले थे और दूसरे को द्वि संकर संकरण बोले थे, मतलब एक को मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरे को डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को ये फॉलो करता है जो इनका थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थर्ड लॉ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करता है। देखिए समझते हैं इसमें होता क्या है। देखिए वहाँ पर हमने आपको बताया होगा कि जो द्वि संकर संकरण जब हो रहा था, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉप हो रहा था, तो वहाँ हमने एक मटर का बीज लिया था और वह मटर का बीज कैसा था, पीला था और कैसा था, गोल था। सही है, मतलब उसका कलर येलो है और शेप जो है उसका गोल गोल है, तो गोल था और पीला था, बढ़िया गोल गोल। और दूसरका वाला जो लिए थे उसका कलर कैसा था, हरा था और कैसा था, झुर्रीदार था। समझ बात आ रही ना। देखिए तो अब भैया आप एक चीज़ बताइए कि ये वाई वाई आर आर इसका कलर और गोलपन दिखाया गया है, ये स्मॉल आर से मतलब जो अप्रभावी लक्षण है उसको दिखाया गया, ये अप्रभावी लक्षण होते हैं, ये किससे हैं, प्रभावी लक्षण है। तो जब दोनों देखो इसलिए जाने कैसे हैं, क्योंकि दोनों का हमने क्या कराया, संकरण कराया, तो संकरण कराने के बाद जो संकर मिला हमको, मतलब पीला और गोल मटर का पौधा हमने लिया, बीज हमने लिया और दूसरा पीला और सॉरी हरा और झुर्रीदार लिया, तो दोनों का हमने संकरण कराया तो जो मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, पीला और गोल ही मिल रहा था। तो मतलब जो पीला और गोल वाला मामला था ये कैसा था, प्रभावी था। कैसा था, प्रभावी था। तो ये इसका प्रभावी लक्षण होगा, तो इसीलिए कहा गया कि दोनों ही कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है, शुद्ध है। और ये भैया ये भी शुद्ध है, हरा और झुर्रीदार ये भी शुद्ध है, लेकिन ये अप्रभावी लक्षण है क्योंकि प्रथम पीढ़ी में, पहली वाली पीढ़ी में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जब इसका दोबारा हम जब ये पीला और गोल मिल गया संकर के बाद में, जब दूसरी पहली पीढ़ी में ये मिल गया, जब दूसरी पीढ़ी की बात आती है तो दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण वितरित हो जाते हैं स्वतंत्र रूप से रहते, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें छिप जाएंगे, ये स्वतंत्र अभ्युमन का नियम इसीलिए कहा गया क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये वितरित हो जाते हैं जिसके जो होते हैं। तो देखिए यहाँ से पीला और गोल जब फिर से कॉम्बिनेट करेगा, संकरण करेगा, क्रॉस करेगा, तो पहला जो मिल रहा है वो है पीला और गोल हमको मिल रहा है जो कि दोनों ही अप्रभावी हैं और इसके करीब 9 पौधे दिखाई दिए। और हरा और गोल जिसमें पहला वाला जो है वो प्रभावी है और दूसरा वाला क्या है, वो अप्रभावी है। और इसी तरीके से पीला और झुर्रीदार मिला जिसमें पहला वाला कैसा है, प्रभावी है और दूसरा वाला अप्रभावी है। इस तरीके से लास्ट अगर देखेंगे तो हरा और झुर्रीदार मिलता है जिसमें दोनों ही लक्षण क्या है, वो अप्रभावी। मतलब इस जो हरा और झुर्रीदार वाला मामला है ये अप्रभावी के तौर पर दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र अभ्युमन के नियम में ये हुआ कि अब जितना आपका मिला, जैसे देखो पीला और गोल दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण है, हरा और गोल ये तो एक ही प्रभावी एक ही का है अप्रभावी। तो देखिए जब ये तो अलग अलग हो, पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार, ये तो अप्रभावी था, ये तो प्रभावी था शुरुआत में, लेकिन जब संकर यौगिक बना तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या होता है कि हरा जो है वो प्रभावी है और गोल क्या हो जाता है, अप्रभावी। समझ में आ रही ना। इसी तरीके से पीला जो है वो प्रभावी होगा तो झुर्रीदार क्या हो जाएगा, अप्रभावी। देखो अगर हरा प्रभावी होगा, देखिए स्वतंत्र अभ्युमन का नियम में क्या है, अगर हरा प्रभावी हो जाएगा तो उस समय गोल जो है उसका अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा उसका, और पीला अगर प्रभावी हो रहा है तो जो झुर्रीदार वाला मामला हो जाएगा वो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण के तौर पर दिखेगा। समझ मारी, मतलब एक तो अप्रभावी रहेगा और दूसरे का प्रभावी जो उस पर हावी नहीं होगा। तो देखिएगा आप लोग देखते होंगे कि जब संकरण कराएगा तो जो हरा बीज मिलेगा आपको, हरा वाला वो बढ़िया गोल गोल रहेगा, हरा वाला कैसा रहेगा, गोल गोल रहेगा, और जो पीला वाला भाई साहब रहेगा वो थोड़ा सा झुर्रियान टाइप का रहेगा, झुर्री रहेगा, तो वही जो झुर्री वाला लक्षण था वो उसमें अप्रभावी तौर पर आया हुआ। समझ बात है ना। देखिए जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया गया है इसको द्वि संकर संकरण के तहत हम लोग डीपली समझ सकते हैं, लेकिन तृतीय नियम में इन्होंने यही बताया था कि स्वतंत्र रूप से जो उनके युग्मकों के लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं अगली पीढ़ी में, सेकंड वाली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। तो समझते हैं एक बार सारे को एक साथ। तो प्रभाविता के नियम में ये बताया गया था
कि जो पौधे के जो लक्षण होते हैं अगर संतति पीढ़ी में वो दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें प्रभावी लक्षण, और अगर नहीं दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें अप्रभावी। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। जैसे सपोज करिए कि अगर इनका हम कंक्लूजन देखना चाहें तो मान लीजिए कि अगर मतलब कोई एक व्यक्ति है वो गोरा है, उसकी पत्नी जो है वो काली है, तो दोनों का संकरण अगर होता है, समझ बात आ रही है। देखिए हम एक एग्जांपल आपको देना चाह रहे हैं, इन्होंने तो मटर पे बताया, तो इस तरीके से जो उनका लक्षण गोरापन मान लो दिखाई पड़ जाए, कालापन ना दिखाई पड़े, तो जो गोरापन होगा उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहेंगे और जो कालापन है उसे अप्रभावी लक्षण। अब ऐसा नहीं है कि जो यौगिक जो संकर यहाँ मिल गया है उसमें कालापन आगे वाली पीढ़ी में दिखाई देगा, श्योर है वो, चूंकि जो पृथक्करण का नियम है वो ये कहता है कि जो युग्मक कॉम्बिनेट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके जो लक्षण है वो केवल दिखाई नहीं पड़ते, ऐसा नहीं है, नहीं वो है उसमें, जब अगली पीढ़ी की बात आएगी तो उसमें वो लक्षण क्या होते हैं, वितरित होते हैं, और उनका रेशियो करीबन 1:3:1 के अकॉर्डिंग होता है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।